संगत जी खिंच चलाओ तैयारी। 25 मई तो आरंभ हो रही है श्री हेमकुंड साहब की यात्रा, 10 अक्टूबर तक चलेगी। सिख संगत लई वड्डी खुशी की खबर। उत्तराखंड के चमोली च स्थित सिखा दे परिवार गुरुधाम गुरुद्वारा श्री हेमकुंट साहिब दे किवाड़ इस बार 25 मई 2024 नूं खुलणगे ते 10 अक्टूबर 2024 नूं इह यात्रा संपूर्ण होवेगी। इह जानकारी श्री हेमकुंट साहिब मैनेजमेंट ट्रस्ट के प्रधान नरिंदरजीत सिंह बिंद्रा ने दिती है। इस तों पहलां उन्हां उत्तराखंड सरकार दी मुख सकत्तर राधा रतौड़ी नाल मुलाकात कीती। श्री बिंद्रा ने कहा कि हेमकुंड साहिब के दर्शनों लई आने वाले श्रद्धालुओं की गिणती हर साल वध रही है और उम्मीद है कि इस साल भी वड्डी गिणती च संगतां श्री हेमकुंड साहिब की यात्रा करनगियां। हालांकि पिछले कुछ दिनों तो पहाड़ी इलाकों बर्फबारी हो रही है और इस वेले श्री हेमकुंड साहिब 8 फुट के करीब बर्फ पई है। हर साल फौजी जवानों वालों यात्रा तो पहला बर्फ हटा के संगत लई राह बनाउण दा कार्य किया जाता है। यह सेवा करीब 1 महीना पहला शुरू हो जाती है और इस साल फौज के अधिकारियों नाल मीटिंग करके यह तय किया जाएगा कि बर्फ हटाने की सेवा कदों आरंभी जाएगी। आज श्रीमती राधा रतौड़ी मुख्य सचिव उत्तराखंड सरकार से मुलाकात कर विचार विमर्श कर हेमकुंड साहिब मैनेजमेंट ट्रस्ट ने यह निर्णय लिया है कि यात्रा 2024 इस वर्ष 25 मई से प्रारंभ होगी एवं 10 अक्टूबर को इसकी समाप्ति होगी। मैं दोहराता हूं कि कपाट 25 मई 2024 को खुलेंगे और 10 अक्टूबर 2024 को बंद होंगे। आप सभी से निवेदन है कि इन तिथियों को ध्यान में रखते हुए अपनी यात्रा का तैयारी करें। धन्यवाद। दस दी कि यात्रा आरंभ होने तो 1 या 2 दिन पहला गोविंद घाट तो गोविंद धाम तक अते गोविंद धाम तो श्री हेमकुंड साहिब तक नगर कीर्तन सजाया जाता है, जिसके पहुंचण ते गुरु घर के किवाड़ संगत लई खोले जाते ने। ब्यूरो रिपोर्ट, दर्शन टीवी। आज श्रीमती राधा रतौड़ी मुख्य सचिव उत्तराखंड सरकार से मुलाकात कर विचार विमर्श कर हेमकुंड साहिब मैनेजमेंट ट्रस्ट ने यह निर्णय लिया है कि यात्रा 2024 इस वर्ष 25 मई से प्रारंभ होगी एवं 10 अक्टूबर को इसकी समाप्ति होगी। मैं दोहराता हूं कि कपाट 25 मई 2024 को खुलेंगे और 10 अक्टूबर 2024 को बंद होंगे। आप सभी से निवेदन है कि इन तिथियों को ध्यान में रखते हुए अपनी यात्रा का तैयारी करें। धन्यवाद।